गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ गुड आफ्टरनून। चलो तो हमने जो एक नया पाठ पढ़ना शुरू किया है वो सुनीता की पहिया कुर्सी। तो देखो मैंने आज उसका यहाँ पे पिक्चर निकाला है, हाँ आपको समझ में आने के लिए। आपके बुक में बहुत सारे दिए हैं पिक्चर्स, तो आपको पता चला होगा कि पहिया कुर्सी किसे कहते हैं। जैसे जो विकलांग लोग है समाज में, अपने बहुत सारे लोग विकलांग होते हैं जो अपने पैरों से चल नहीं पाते या पैरों पे खड़े नहीं हो पाते, ऐसे लोगों को, या किसी को हाथ नहीं होता है, किसी को आँख नहीं होती है, अंधे होते हैं, कोई बहरे होते हैं, वो थोड़े उन्हें विकलांग कहते हैं। तो ये जो इस पार्ट में कहानी बताई है, सुनीता नाम की लड़की है और वो अपने पैरों से नहीं, बचपन से ही मतलब पैदाइश ही उन्होंने जब जन्म लिया तभी से ही वो अपाहिज है, यानी कि विकलांग है, अपने पैरों पे वो खड़ी नहीं हो सकती। आ रहा है बच्चों समझ में? तो उनके लिए ऐसी एक कुर्सी होती है, वो कुर्सी में बैठ के वो अपना यहाँ वहाँ आना जाना जो भी कुछ है अपना काम वो करते हैं। तो देखो ये है सुनीता की पहिया कुर्सी, ऐसी कुर्सी है और एक लड़की उससे वो बाजार में मिलती है, वो आगे अपने पार्ट में आने वाला है तो हम वो देखेंगे। तो देखो ये पिक्चर, पहले देखो पहिया कुर्सी कैसी है और ये उसमें बैठी हुई लड़की है। अपने बुक में जो पिक्चर दिखाया वो थोड़ा कार्टून टाइप है, मैं थोड़ा रियलिस्टिक निकाला है, ठीक है? तो आपने समझा होगा। तो हम कल इस पार्ट का हमने जो कठिन शब्दार्थ है आपको जो नहीं समझ पाएंगे ऐसे दिए थे मैंने बोर्ड पे लिख के, अपने वो स्क्रीनशॉट लेके या अपने CW बुक में लिख के लिया होगा। तो कल हमने पन्ना नंबर 98 तक, मतलब लास्ट का एक पैराग्राफ उसमें का बाकी है। तो देखो अपना अपना बुक निकालो और लाइन लाइन पे अपनी उंगली घुमाते चलो, ताकि आपको जो भी और कोई कठिन शब्द मिले तो मुझे ज़रूर पूछा करो, हम उसका सोल्यूशन सॉल्व कर देंगे, उसका अर्थ क्या होता है ठीक से वो पता करेंगे, ठीक है? सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तो सुनीता दरअसल घर में ही रहती है, घर में ही घुमा करती है अपने साइकिल में बैठ के, लेकिन उसे बाहर की जिंदगी यानी कि सड़क पे क्या होता है। सड़क पे तो बहुत सारी व्हीकल्स यानी गाड़ी आती जाती रहती है, बहुत सारी भीड़ रहती है, बहुत सारे लोग भी बाहर रहते हैं रोड पे, अपना बाजार करते हैं, घूमते रहते हैं, तो बहुत गाड़ियों की भीड़ रहती है। तो ऐसे सुनीता तो विकलांग है, तो वो हर दिन बाहर जाएगी क्या? नहीं जाएगी, और घर वाले भी उसे नहीं छोड़ते हैं। लेकिन सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। कोई भी चीज़ हम उससे दूर है, ऐसी चीज़ देखने के लिए या हमको नया है वो, तो हम देखने के लिए उतावले होते हैं, यानी कि उत्सुक होते हैं, अपनी जिज्ञासा बढ़ती है उस चीज़ के बारे में। वैसे ही सुनीता को लगता था कि हर बच्चे की तरह मैं भी बाहर निकलूं, मैं भी स्कूल जाऊं, मैं भी अकेली घूमूं, मैं कोई अलग नहीं हूं, मैं इनमें से ही हूं। तो हम लोगों ने भी क्या करना चाहिए, जो अपने शरीर से ठीक ठाक है, जो बच्चे ठीक ठाक है, जो इंसान ठीक ठाक है, उन्होंने क्या करना चाहिए, जो लोग विकलांग है उन्हें, वो भी एक समाज का हिस्सा है, उन्हें वैसी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, उन्हें कम नज़र से नहीं देखना चाहिए, है ना? तो देखो यही इस पाठ से हमें सीख मिलती है। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आती है। चिंकू आज छुट्टी है, चिंकू आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज शायद संडे होगा, छुट्टी का दिन है, तो हर जगह पे बाहर बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, रोड पे खेल रहे हैं, घर के बाहर खेल रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई, वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। देखो छुट्टी का दिन है तो बहुत सारे बच्चे बाहर दिखाई दे रहे हैं, सुनीता घर में बैठ के ही देख रही है,
गली में, मोहल्लों में, रास्ते पे बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने रस्सी से खेल रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं, और कौन से नए 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 खेल खेल रहे हैं। और सुनीता सिर्फ उन्हें घर में बैठ के देख ही रही है, और मन में उसके क्या चल रहा है कि मैं भी ऐसे खेल सकती हूँ, मुझे भी ऐसा खेलना चाहिए, वो मन ही मन में सोच रही है। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। उसकी चाह क्या हो रही है, मुझे भी इस बच्चों के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि वो चाह रही है कि मुझे भी खेल, मैं क्यों नहीं खेल पाती, मुझे भी खेलना है। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, और एक खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापिस लेके। चलो तो क्या हुआ, यहाँ पे सुनीता घर पे नहीं है, सॉरी मैंने ऐसे बोल दिया कि घर पे है, वो बाजार के लिए निकली है, वो हमने कल देखा था। बाजार के लिए चीनी लाने के लिए उसने, माँ ने 1 केजी चीनी लाने के लिए कहा है, वो अपना झोला लेके घर से बाहर निकली है। और तभी उससे बाहर का ये नज़ारा जो है वो दिख रहा है। क्या क्या नज़ारा है, बच्चे खेल रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं, रस्सी से खेल रहे हैं, और रोड पे बहुत सारे गाड़ियाँ यहाँ वहाँ आ जा रही है, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। ये देख के सुनीता की चाह क्या हो रही है कि मैं भी इन बच्चों के साथ खेलूँ, इनके जैसे बर्ताव करूँ, यानी कि व्यवहार वैसा मेरा भी होना चाहिए, मैं क्यों नहीं ऐसे कर सकती, ऐसी मन मन में वो सोच रही है। देखो, खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, और जो जब वो मैदान के करीब से निकल रही थी तभी एक लड़की उन्हें सुनीता को दिखाई दी जिसकी माँ उसे वापिस लेने के लिए आई थी, और उसकी माँ भी उसे उस लड़की को लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। टुकुर टुकुर देखने देखना मतलब, मैंने कल लिख के दिया था, टुकुर टुकुर देखना देखना मतलब लगातार देखते ही रहना, मतलब आग लगा के ही रहना एक दूसरे में, दूसरे को वो आग बिना आग खिलाते हुए देख रही थी। मतलब लगातार वही चीज देखते रहना, वही व्यक्ति को देखते रहना, उसे बोलते हैं टुकुर टुकुर देखना। तो दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। कौन, एक लड़की और सुनीता मैदान के पास से जा रही थी, और दूसरी एक मैदान में से एक लड़की सुनीता के पास आ रही थी, और उसकी माँ भी उस लड़की को लेने के लिए आ रही थी। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा, उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। देखो, कहीं छोटे कद के लोग भी होते हैं, छोटे कद्दे, उसको हम बटलर बोलते हैं, ऐसे चिढ़ाने के लिए एक छोटू कहते हैं, एक ठेंगू कहते हैं, एक थोटू कहते हैं। तो ये चिढ़ाने के लिए होता है, अक्सर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी जो कद से छोटे होते हैं वो भी थोड़ा विकलांग जैसे ही होते हैं, क्योंकि उनकी जो शरीर की जो क्या ग्रोथ उनका ठीक तरह से नहीं होता है, इसलिए वो छोटे रहते हैं, तो उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन देखो, फिर सुनीता को एक लड़का दिखा, उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था, बाकी नॉर्मल थे बच्चे, वो अपने अपने हिसाब से ठीक उनकी ग्रोथ हुई थी, लेकिन ये जो बच्चा था वो छोटू लग रहा था, और बाकी सब लड़के उसे चिढ़ा रहे थे। देखो क्या छोटा, अब कैसे चिढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, ए टिल्लू, ए बटलर, ए बुटको, ऐसा कुछ भी बोलते हैं। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और देखो सुनीता को भी ऐसा ही लगता था, मैं पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए मेरे को भी बहुत सारे बच्चे चिढ़ाते हैं, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। लेकिन वो खुद ऐसा नहीं मानती थी कि मैं नॉर्मल ही हूँ, ऐसा मानती थी। लेकिन वो सुनीता ने जो वो सामने का दृश्य देखा, एक छोटे बच्चे को सब बाकी के बच्चे चिढ़ा रहे थे छोटू छोटू करके, ये बात सुनीता को भी थोड़ी अच्छी नहीं लगी। वो सुनीता भी मन में सोच रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इस बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, और अभी ऐसे लोगों की दया आती है लोगों को, अक्सर, अरे अरे लड़की इतनी अच्छी है, लेकिन पैरों से
अपाहिज है, पैरों पे अपने पैरों से नहीं चल सकती, दिखने में कितनी सुंदर है, ऐसे लोग दया की भाव से उनके तरफ देखते हैं। लेकिन सुनीता को ऐसा ये जो लोग करते हैं ना, जो अपना उनके प्रति जो भाव प्रकट करते हैं ना, वो सुनीता को नहीं चाहिए। सुनीता क्या सोच रही है कि मैं नॉर्मल हूँ, मैं आम बच्चों की तरह ही हूँ, तो मुझे ये ऐसा उनका बर्ताव मेरे साथ ठीक नहीं है, वो लोगों ने मेरे को ऐसा सहानुभूति नहीं देना चाहिए, है ना, ऐसा उसको लगता है। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए जबकि वो उन्हें जानती तक नहीं थी। देखो वो लोग तो सुनीता को ठीक तरह से जानते भी नहीं थे, फिर भी उसको देख के हंस रहे हैं। तो सुनीता को शायद गुस्सा आ रहा होगा, क्यों हंस रहे है, मुझे ही देख के क्यों हंस रहे है। तो लेकिन वो लोगों का क्या ये था बर्ताव था कि अरे लड़की अच्छी है लेकिन वो विकलांग है, इसलिए वो उसको स्माइल देख के थोड़ा सहानुभूति जता रहे थे अपनी, मुस्कुराए जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु देखो वो मन वो हंस रहे, कोई अपने सामने अपने हंसते हुए आया तो हम भी उसे थोड़ा स्माइल दे के चले जाते हैं, उनका भी दिन अच्छा जाता है, अपना भी दिन अच्छा जाता है। लेकिन सुनीता को भी वो पहले अच्छा लगा कि चलो लोग मेरे मुझे देख के हंस रहे, वो सुनीता ने भी उसको स्माइल दिया थोड़ा। लेकिन देखो क्या हुआ, खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को फिर सोचने लगी कि ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं, मैं तो अजब गजब नहीं हूँ, मैं तो आम बच्चों की तरह ही हूँ, फिर भी ये लोग मुझे ही देख के क्यों हंस रहे हैं, मुझे ही क्यों ऐसे देख रहे हैं, ऐसी सोच में सुनीता डूब गई। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा मतलब खेल के मैदान में जो लड़की सुनीता को मिली थी उसको मां लेने के लिए आई थी, वो फिर से सुनीता को मिली है। देखो खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी और वहाँ पे क्या चल रहा था, उस लड़की जो मैदान में लड़की मिली थी वही लड़की बाजार में सुनीता को मिली है, कहाँ पे दुकान के सामने मिली है। तो उसकी माँ क्या कर रहे थे, कुछ कपड़े खरीद रही थी। तो देखो क्या होता है आगे, तुम्हारे पास ये अजीब सी, वो लड़की क्या हुई, सुनीता के पास आई। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े खरीद रही थी। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है, और उस लड़की को ये जो पहिया कुर्सी है, मैंने वही सीन यहाँ पे निकाला है, देखो ये पहिया कुर्सी है ना, ये थोड़ी अजीब सी चीज लगी इसको, इस बाजार में मिली, एक बार ये मैदान में मिली थी लड़की, दूसरी बार दुकान के सामने मिली है और इसकी माँ वहाँ पे कपड़े खरीद रही है। तभी ये लड़की सुनीता के पास आती है और उन्हें पूछती है कि तुम्हारे पास ये जो पहिया कुर्सी है वो अजीब सी चीज क्या है, ऐसे पूछती है, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है, उस लड़की ने सुनीता से पूछा। अभी किसने किससे पूछा, इसमें ये सवाल पूछा जाता है क्या कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज कौन सी है, तो ये किसने कहा है, एक लड़की ने सुनीता से कहा है। ये तो बस एक सुनीता जवाब देने लगी और सुनीता तुरंत वो जवाब देने लगी कि ये तो बस एक सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। देखो ये उस माँ का बर्ताव अच्छा था क्या, व्यवहार अच्छा था क्या, नहीं था, वो माँ ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसको क्या लगा कि सुनीता को मेरे बच्ची ने ऐसा नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ये बच्ची शरीर से ठीक ठाक है, चल पाती है, घूम पाती है, दिमाग से ठीक है, कपड़े वपड़े अपने खुद का व्यवहार खुद कर सकती है, लेकिन सुनीता को अपना कपड़ा पहनने के लिए, चलने के लिए, शूज पहनने के लिए किसी का सहारा लेने की जरूरत है, लेकिन सुनीता वैसे नहीं समझती है मुझे किसी की जरूरत है ऐसे। तो सुनीता के इस लड़की के माँ को क्या लगा कि अपने लड़की ने सुनीता को ऐसा नहीं पूछना चाहिए, लेकिन वो लड़की जो आपको मालूम नहीं है वो मालूम करवा लेना कोई बुरी बात नहीं है।
तो सुनीता की माँ का व्यवहार सुनीता मतलब इस लड़की के माँ का व्यवहार सुनीता को पसंद नहीं आया है। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। फरीदा, उस लड़की का नाम देखो क्या है, फरीदा। फरीदा नाम अभी तक हम उसे एक लड़की लड़की बोल रही थी, लेकिन इधर उसका नाम आया है फरीदा। अभी ये कौन बोला, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। अच्छा नहीं लगता, माँ ने क्या कहा उन्हें, तुम जो पूछ रहे हो कि तुम्हारे पास ये अजीब गजीब सी चीज कौन सी है, यानी कि ये पहिया कुर्सी, इसे क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, ऐसे ये फरीदा सुनीता को पूछ रहे हैं, लेकिन सुनीता के माँ को वो अच्छा नहीं लगा है, ऐसा पूछना नहीं चाहिए, ऐसे वो उसे समझा रही है फरीदा को। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, और ये कौन सोच रहा है, सुनीता। सुनीता ने दुखी होकर कहा, उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। देखो उसके मन में थोड़ा सा मन को बात हो भाग लग गई। मतलब उसने ज्यादा दिमाग पे लिया, किसने, सुनीता ने, क्योंकि फरीदा की माँ ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं भी उन सब बच्चों की तरह वैसे ही हूँ, नॉर्मल हूँ, और ये मुझे मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, ये बात थोड़ी सी उसने दिमाग पे ली। और वो क्या कह रही है, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा, उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। और वो जो ऐसा क्यों कर रही है, बड़े लोग ऐसे क्यों करते हैं, ये सुनीता के मन में नहीं आया, मतलब उसको समझ में नहीं आया फरीदा के माँ ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था, और वो बाजार में आखिर तक पहुंच गई, और कुछ दो तीन स्टेप ऐसे आपके बुक में दिखाई दिया है, देखो आखिरी पन्ना नंबर 100 पे लास्ट में दो दो स्टेप है ऐसा, उसके ऊपर वो पहिया कुर्सी लेके सुनीता को जाना है। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था, उसके लिए ये कर पाना बहुत मुश्किल था। मुश्किल यानी के कठिन था, कोई काम कठिन रहता है तो हम बोलते हैं मेरे लिए मुश्किल है, मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और देखो वो जाके वहां पे खड़ी है, बाकी सब लोग अपने अपने काम में बिजी है, मतलब अपना अपना काम देख रही है, सुनीता के तरफ देखने के लिए किसी को फुर्सत नहीं है। और सुनीता जहाँ पे जाके रुक गई है, वहाँ से दो स्टेप अपना ये पहिया कुर्सी लेके उस ऊपर जाना सुनीता के लिए ये काम कैसा है, मुश्किल यानी के कठिन है। तो अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ा जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और तभी क्या हुआ है, सुनीता उस स्टेप के करीब जाके रुकी है, बाकी कोई सुनीता को नहीं देख रहा है, सब अपने अपने व्यवहार में लगे हैं, अपने अपने काम में जुड़े हैं। और सुनीता सोच रही है कि ये मेरे लिए अभी थोड़ा कठिन काम है, कोई तो मुझे हेल्प करे, ऐसे भाव से ऐसे नजर से वो देख रही है इधर उधर। तभी क्या होता है, जिस लड़के को छोटू छोटू कह के पुकार रहे थे बच्चे, बाकी बच्चे चिढ़ा रहे थे, वो छोटू दौड़ के सुनीता के पास आता है। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ा जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, और उसने अपना परिचय देना यानी अपनी पहचान करवाना। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। देखो परिचय देना यानी अपनी पहचान करवाना, अपना नाम उन्हें क्या बताया, उसने अपना नाम क्या बताया, मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। देखो वो उसको भी बच्चे चिढ़ाते थे, और सुनीता भी वैसी लड़की थी, उसे भी सब ऐसे करुणा भाव से देखते थे, और वो ही वही छोटू कहने वाला बच्चा ही उसके मदद में आखिर में आया है। क्यों मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, मेरा नाम सुनीता है। और सुनीता ने भी क्या किया, अपना भी परिचय दिया, उसने अपना नाम क्या बताया, अमित बताया, वो छोटू लड़का था। और सुनीता ने भी उसको अपना परिचय दिया यानी कि अपना नाम बताया, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा कर बोली। तभी राहत की सांस लेना थोड़ा ठीक लगना, चलो ठीक हो गया,
कोई तो मेरे मदद करने के लिए यहाँ पे आया है, ऐसा समझ के सुनीता को थोड़ी राहत मिली, यानी कि थोड़ा दिलासा मिला, थोड़ी थोड़ा उसको अच्छा लगा। मैं अमित हूँ, उसके अपना परिचय दिया, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा कर बोली और उसके उसके तरफ देखा, थोड़ी सी स्माइल दिया। पीछे के पैंडल को पैर से जरा दबाओगे, उसने भी रिक्वेस्ट जैसा किया है, विनती किया है उसको, ऐसे ही नहीं आप कड़क से ऐसे नहीं बोली कि तू करोगे मेरे लिए, इतना करोगे तुम, तो उसने भी बोला कि मैं आपकी आपके लिए कुछ मदद कर सकता हूँ। तो सुनीता ने भी वही भाव से कहा है कि पीछे का जो पैंडल है, पैंडल किसे बोलते हैं, पैर रखने के लिए जो जगह रहता है, अपने साइकिल का पैंडल, साइकिल तो सभी ने चलाई है, अब सभी ने, तो साइकिल को दो पहिया यानी दो पैंडल होता है, तो वो पैंडल को थोड़ा पीछे से दबा तो साइकिल ये मेरी पहिया कुर्सी ऊपर उठ जाएगी। देखो यहाँ पे दिखाया भी है स्टेप पे, क्या तुम करोगे, ऐसे बोलती है कौन, सुनीता, दबाओगे, हाँ हाँ जरूर, हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करते मतलब थोड़ा ऐसा ऊपर हाथ से दबाया, उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा और जो छोटे पहिए हैं उसको पहले सीढ़ी पर रखा है, यहाँ पे वही पिक्चर में दिखा है पर रखा, फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब धन्यवाद देना यानी कि उसका शुक्रगुजार, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, यानी कि मैं आभारी हूँ आपकी, थैंक्स बोला, उस ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुँच सकती हूँ। देखो तुमने इतना मेरा मदद किया ना, मेरे को इतना हेल्प किया आपने, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ अभी आप मेरा मदद करना छोड़ो, मैं यहाँ से खुद दुकान तक जा सकती हूँ। ऐसा सुनीता ने किससे कहा है, अमित से कहा है। अमित कौन है, छोटा छोटे कद वाला लड़का जिसको बाकी बच्चे चिढ़ा रहे थे। और फरीदा कौन है, जो ग्राउंड में मिली थी वही लड़की बाजार में भी मिली है, उसकी वहाँ पे उसकी माँ कुछ कपड़े खरीद रही थी और वो लड़की सुनीता के पास आके क्या पूछ रही है, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज कौन सी है। फरीदा, अमित, ये जो कैरेक्टर्स है इस कहानी के, इससे है। तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं, अगला हिस्सा जो इस कहानी का है हम अगली दशिका को देखते हैं। तो देखो आपने, मैंने आपको कहा था कि ये पार्ट आप ठीक तरह से पढ़ो, जिन्होंने पढ़ा नहीं है फिर से पढ़ो, कल फिर से मिलते हैं, यहाँ पे हम रुकते हैं, आपका दिन शुभ गुजरे, धन्यवाद।